हमारी बॉडी में मौजूद 206 बोन्स में से 126 बोन्स हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में मौजूद होती हैं हमारे स्केलेटन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है नंबर वन एक्जियल स्केलेटन नंबर टू अपेंडिकुलर स्केलेटन एक्जियल स्केलेटन में स्कल वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स शामिल होती हैं जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में पेक्टोरल गर्डल अपर लिम्स पेल्विक गर्डल एंड लोअर लिम्स शामिल होती हैं तो चलें बारी बारी या स्केलेटन की सारी बोन्स को स्टडी करते हैं पेक्टोरल गर्डल पेक्टोरल गर्डल जिसे शोल्डर गर्डल भी कहा जाता है हमारे शोल्डर रीजन में मौजूद बोन्स होती हैं ये बोन्स हमारी अपर लिम्स को एक्जियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करती हैं पेक्टोरल गर्डल में टू क्लेविकल्स एंड टू स्केप्यूला शामिल होती हैं अपर लिम्स अपर लिम्स में हमारे बाजू की सारी बोन्स शामिल होती हैं जिसमें सबसे बड़ी और पहली बोन ह्यूमेरस कहलाती है यह बोन एक साइड से स्केप्यूला के साथ कनेक्टेड होती है और दूसरी साइड से एल्बो रीजन में रेडियस और अल्ना के साथ रेडियस एंड अल्ना। रेडियस और अल्ना दो लॉन्ग बोन्स होती हैं जो हमारा फोर आर्म बनाती हैं रेडियस हमारे फोर आर्म की थम वाली साइड पर मौजूद होती है और जब हम अपना बाजू रोटेट करते हैं तो यही बोन मूव करती है जबकि अल्ना हमारे फोर आर्म में पिंकी फिंगर वाली साइड मौजूद होती है यह बोन हमेरस के साथ स्ट्रांग जॉइंट बनाई होती है कार्पल बोन्स रेडियस एंड अल्ना हमारी रेस्ट में कार्पल्स के साथ ज्वाइंट बनाए होती हैं कार्पल्स छोटी छोटी एट बोन्स होती हैं जो हमारी रेस्ट में मौजूद होती हैं इन बोन्स के सेपरेट होने की वजह से हमारी रेस्ट अच्छे तरीके से मूव कर पाती है दोनों हाथों को मिलाकर 16 कार्पल्स हमारी रेस्ट में मौजूद होती हैं मेटा कार्पल्स मेटाकार्पल्स फाइव बोन्स होती हैं जो हमारे हाथ की पाम बनाती हैं ये बोन्स एक साइड से कार्पल्स के साथ अटैच होती हैं और दूसरी साइड से फेलेंजेस के साथ दोनों हाथों में मिलाकर टेन मेटाकार्पल्स प्रेजेंट होती हैं फेलेंजेस फेलेंजेस हमारी फिंगर्स में मौजूद बोन्स होती हैं हर हाथ में फोर्टीन फेलेंजेस प्रेजेंट होती हैं यानी हर फिंगर के अंदर तीन फेलेंजेस होती हैं सिवाय थंब के थंब के अंदर दो फेलेंजेस मौजूद होती हैं इस तरह टोटल मिलाकर फोर्टीन फेलेंजेस एक हाथ में प्रेजेंट होती हैं फेलेंजेस और मेटाकार्पल्स की वजह से हम हाथों से चीजों को अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकते हैं दोनों हाथों में टोटल ट्वेंटी एट प्रेजेंट होती हैं चलें अब पेल्विक गर्डल की बोन्स को स्टडी करते हैं पेल्विक गर्डल को हिप गर्डल भी कहा जाता है पेल्विक गर्डल की बोन्स लोअर लिम्स को एक्जियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करती हैं हिप बोन एक किस्म की पेयर्ड बोन होती है जिसको तीन सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है लेकिन याद रहे कि ये सेगमेंट्स कनेक्टेड होते हैं इसलिए हिप बोन को सिंगल बोन ही कंसिडर किया जाता है और क्योंकि हिप बोन पेयर की फार्म में मौजूद होती है यानी दोनों साइडों पर प्रेजेंट होती है इसलिए हिप बोन टू एन नंबर होती है हिप बोन के अगर सेगमेंट्स की बात की जाए तो ये सेगमेंट्स एलियम, इशियम एंड प्यूबेस कहलाते हैं चलें अब लोअर लिम्स की बोन्स को स्टडी करते हैं फीमर फीमर हमारी बॉडी और लोअर लिम्स की सबसे बड़ी बोन होती है बोन एक साइड से हिप बोन और दूसरी साइड से टिबिया एंड फेब्यूला के साथ कनेक्टेड होती है टिबिया एंड फेब्यूला टिबिया एंड फेब्यूला बोन्स एक साइड से फ्यूमर और दूसरी साइड से टार्सल्स के साथ कनेक्टेड होती हैं टिबिया को शिन बोन भी कहा जाता है ये बोन फेब्यूला से मोटी और स्ट्रांग होती है इसकी लोकेशन इनर साइड यानी कि थंब वाली साइड पर मौजूद होती है जबकि फेब्यूला बोन टिबिया के मुकाबले में पतली होती है और ये बोन बाहर वाली साइड पर मौजूद होती है ये बोन हमारी लेग और एंकल को एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है टार्सल्स हमारे पाँव के एंकल रीजन में ग्रुप की फॉर्म में सात बोन्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें टार्सल्स कहा जाता है टार्सल्स टिबिया एंड फेब्यूला को मेटा के साथ कनेक्ट करती हैं और साथ में ये बोन्स हमें चलने में पाँव को रोटेट करने में और बॉडी वेट को उठाते वक्त बैलेंसिंग में हेल्प करती हैं दोनों पाँव की टारसल्स को अगर मिलाकर काउंट किया जाए तो ये 14 इन नंबर होती हैं मेटा मेटाटार्सल्स पाँव में मौजूद पांच बोन्स होती हैं जो फुट का मिडल पार्ट बनाती हैं मेटाटार्सल्स बॉडी वेट को सपोर्ट करने और चलने फिरने में हेल्प करती हैं फेलेंजेस हाथ में मौजूद फेलेंजेस की तरह पाँव में भी 14 फेलेंजेस प्रेजेंट होती हैं दोनों पाँव की फेलेंजेस को अगर काउंट किया जाए तो 28 एट बनती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की सारी बोन्स को अगर काउंट करें तो इनकी तादाद 126 बनती है होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें शुक्रिया अल्लाह हाफिज़